सिस्टम में क्या होता है, आप यही पूछ रहे हैं। देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी नब्ज देखें, ये अभी 55-58 के आसपास है। अगर मैं बस चुपचाप बैठ जाऊं, ये गिरकर 40 के नीचे चली जाएगी। अगर मैं बस यूं ही बैठ जाऊं और कुछ ऐसा करूं जिसमें कोई बातचीत या हिलना डुलना ना हो, अगर मैं बस यूं ही बैठूं तो ये 40 के नीचे चली जाएगी। अब ये आराम में है, ये अंदर कोई गैर जरूरी टकराव पैदा नहीं करेगा, तो ये जिस मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है वो बहुत कम है। आपको ये पता है कि शरीर में ऊर्जा की 20% खपत हमारे दिमाग में होती है, हालांकि ये अधिक से अधिक 1.5 किलो का है। तो शरीर का इतना हिस्सा 20% ऊर्जा की खपत कर रहा है, शरीर का इतना हिस्सा सिर्फ 80% की खपत कर रहा है। अगर आप वजन में इसकी और इसकी तुलना करें तो ये 50 गुना अधिक या उससे भी ज्यादा है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप अपने दिमाग को एक खास तरह से रखते हैं तो आपके पास जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी खपत ऊर्जा की गैर जरूरी बर्बादी नहीं हो रही है। यह बात हर सिस्टम के लिए सच है, चाहे वो एक कार हो, एक मशीन हो या कुछ भी हो, वो जितने कम घर्षण से चल रही है ऊर्जा की खपत उतनी ही कम हो जाएगी। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा घर्षण से चल रही है वो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करेगी। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऊर्जा के लिहाज से अगर आप अपने सिस्टम को घर्षण से मुक्त करते हैं तो मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा और आप बहुत कुशलता से काम करेंगे, क्योंकि जब आप उसे बढ़ाना चाहेंगे तो आपके पास उसे बढ़ाने के लिए एक पूरी रेंज होगी, जब आप उसे घटाना चाहेंगे तो घटा सकते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म को लगभग 24% कम कर सकता है। ये सबसे अधिक गिरावट है जो आप ध्यान की सचेतन अवस्था में हासिल कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म उससे भी कम होता है तो आपको शरीर का कोई एहसास नहीं रहेगा। अगर आप यहां बैठते हैं, आपको शरीर का कोई एहसास नहीं है। यही वो स्थिति है जिसमें योगी बैठते हैं। देखिए, अगर आप यहां बैठते हैं, चाहे आपके पास घड़ी ना हो, लेकिन आपके पैर, आपकी कमर, आपके कूल्हे, हर चीज समय का हिसाब रख रही है। आपको घड़ी की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको पता है कि अब आपको उठना होगा, शरीर जानता है। तो कोई कई घंटों या दिनों तक बैठा है क्योंकि शरीर का कोई एहसास ही नहीं है। शरीर का कोई एहसास नहीं है, न सिर्फ मेटाबॉलिज्म के कम होने के कारण, बल्कि इसका कारण आपकी ऊर्जा की तीव्रता भी है जो जैविक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का एक दूसरा आयाम पूरी तरह से तीव्र है। जब यह पूरे शरीर में फैल जाती है आपको शरीर का कोई एहसास नहीं होता। यही वो स्थिति है जिसमें योगी बैठते हैं।